लड़के देखो 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 ना। ए पांडे सवाल देखो, क्या कर रहा है बाबू? चतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ चतुर्भुज है भैया, के विकर्ण परस्पर बिंदुओ पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, जो उसमें सिद्ध किया था आप लोगों ने वो दिया है यहाँ पर। ठीक तो भैया पहले बना लो आप लोग चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक भैया ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रक्षेप कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं, तो क्या है दिया? हाँ ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, ये आपको दिया है। ठीक है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी समलंब है, यानी ए बी समांतर डी सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक बाबू समलंब हो जाएगा। ठीक अब कैसे करोगे आप लोग? भैया वही काम करना, रचना तो करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ तो वही बात, रचना किया आप लोगों ने ई ओ ना रखे, ई ओ समांतर ए बी खींचा, खींच दिया। हाँ अब त्रिभुज ए बी डी में देखो भैया बाबू, त्रिभुज ए बी डी में देखो आप लोग, ए बी समांतर ई ओ है, तो क्या मिला इससे? इससे क्या मिला? ए अपान सी डी इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। एक किस वजह से मिला? सच प्रमेय द्वारा न लड़के भैया, सच प्रमेय द्वारा समीकरण नंबर एक। ठीक अब बाबू यहां देखो, इसमें इस समीकरण में, इस समीकरण में ठीक देख रहे आप क्या है? ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू क्या है? बी ओ अपॉन डी ओ है लड़के, यहाँ बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ क्या कर लो, ये दिया है। अब यहाँ देखो ए ओ अपॉन बी ओ है बराबर क्या है? सी ओ अपॉन डी ओ, या आपका क्या हो जाएगा? ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ, क्यों लड़के? अब ये देखो ये तुम्हारा समीकरण नंबर दो हो गया, ये क्या हो गया? हो गया लड़के कि नहीं बाबू? बाबू देखो दोनों सेम है, तो लड़के क्या मिला? ए अपान ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ। एक किस त्रिभुज कहानी है? एक कौन से त्रिभुज की कहानी है? त्रिभुज एडीसी में, ध्यान देना त्रिभुज एडीसी में ईओ, ईओ क्या है? भुजा एडी और एसी को क्रमशः बिंदु ई और ओ पर इस प्रकार प्रक्षेप करती है कि ईओ एई अपान ईडी इज इक्वल टू ए अपान सीओ, यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए ई ओ समांतर बी सी किसके द्वारा? सेल्फ प्रमेय के विलोम द्वारा। एक किसके द्वारा था? एक सेल्फ प्रमेय द्वारा था, हाँ लड़के कि नहीं भैया? एक सेल्फ प्रमेय के विलोम द्वारा, ध्यान दे के विलोम द्वारा ए लड़के मिला हमें। ठीक अब यहाँ देखो, यहाँ देखो आपने रचना क्या किया है? ए बी समांतर और एक नहीं लड़के कहा रचनावा किए हो, रचनावा नहीं लिखे हो तुम, ए बी समांतर ये की, रचना किया है ना, रचना किए हो, क्या किए हो? ए बी समांतर ईओ खींचा है आप लोगों ने। ठीक अब ए बी समांतर ईओ ए है दोनों है ना, तो क्या मिलेगा? हाँ ए बी समांतर डी सी, हाँ अतः ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज, मालूम हो बाबू? चलो भैया देखो
लड़के बताओगे तुम? हाँ दिया। चलो बताओ। समलम नहीं है लड़की आपकी? चतुर्भुज है। समझ में आया? समलम तुमको सिद्ध करना है। चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। हाँ हाँ के विकर्ण। हाँ लड़के एसी और बी डी चल परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि न लड़के करते हैं कि एओ अपान बी ओ सी ओ अपान डी ओ हो गया। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इस ए बी समांतर डी सी अर्थात ए बी सी डी एक समलंब है न भैया? चलो ठीक है। हाँ अब बाबू रचना क्या करोगे? यो समांतर ए बी खींचा। हाँ चलो उपपद में बताओ। चलो जल्दी बताओ। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर ए बी न लड़के इसलिए ए अपान ए डी इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ थेल्स प्रमेय द्वारा समीकरण नंबर एक ठीक। और लड़के और दिया है ठीक है। और दिया है क्या दिया है लड़के? ए ओ अपान बी ओ सी ओ अपान डी ओ या ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ हो जाएगा ना। ये समीकरण नंबर दो ठीक। समीकरण एक एवं समीकरण दो से न भैया क्या मिलेगा लड़के? ए अपान ए डी इज इक्वल टू ए अपान सी ओ ये मिल गया। आप किस त्रिभुज में देखोगे? त्रिभुज ए डी सी में ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में ना रेखा ई ओ क्या रेखा ई ओ भुजाओं एडी एडी और किस कलर के ए सी को क्रमशः बिंदु ई और ओ पर क्रमशः बिंदु ई और ओ पर इस प्रकार उच्छेद करते हैं कि क्या लड़के ए अपान ई डी इज इक्वल टू ए अपान सी ओ मिला। इसे क्या मिला?
और रुक जा पहले जगह ले लें पहले कुछ क्या मिला ईओ समांतर डीसी ठीक हाँ किससे लड़के थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा ना अच्छा अच्छा अब यहाँ क्या है परंतु ईओ समांतर ए बी ये कैसे किए हो रचना से ठीक इसलिए क्या मिला ए बी समांतर डी सी ठीक है अतः ए बी सी डी एक समलंब है क्या है एक समलंब ठीक इति सिद्धम भैया सब नोट करो खत्म हो गया ना पॉइंट टू चलो